हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का न्यूमेरिकल हम करेंगे और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था आपको क्लास में कि हम इस सेशन में एन के प्रॉब्लम्स करेंगे एन के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आते ही हैं और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन हैं वो आई आई टी जेई में नीट में सी यू टी के एग्जाम में ये जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम आप बैठते हो आफ्टर ट्वेल्थ क्लास सब में एन सी आर टी के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं फिजिक्स में और सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए सभी को मेरा सजेशन है कि आप एन सी आर टी न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से करिए पूरे चैप्टर का और हम इस सेशन में इस सेशन में हम आपको कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स को कराते हैं एनसीईआरटी का ये हमारा पहला चैप्टर में पार्ट फर्स्ट दो पार्ट में हम कराएंगे पहला चैप्टर पार्ट फर्स्ट का एक्सरसाइज वन है और यहाँ पर एनसीईआरटी सी आर टी न्यूमेरिकल्स कराते हैं क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट वन थ्री ओके तो ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का इंफॉर्मेशन दे दूँ वो है ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन का क्लास ट्वेल्थ के पी ग्रुप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए टेन ईयर क्वेश्चन पेपर का मॉडल आंसर के साथ में सलूशन। सी के स्टूडेंट जो 24-25 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए यह बुक बहुत ही बेस्ट है इस बुक में सिर्फ आपको मैथमेटिक्स नहीं कंप्लीट आपको आपके पूरे सब्जेक्ट ये फिजिकली मेरे पास ये आप देख रहे बुक को मैंने पढ़ा है तो यहाँ पर इसका जो कंटेंट्स है आपको इंग्लिश का फिजिकल एजुकेशन का कंप्यूटर साइंस का और मैथमेटिक्स का फिजिक्स का केमिस्ट्री का आपको टेन ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि न्यू सिलेबस पर बेस्ड है और यहाँ पर आप देखो इसके कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन वैसे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा परचेस लिंक पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ठीक है तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है ओसवाल डाट आईओ के बारे में बता दूँ आप यहाँ पर जाके इसके टेस्ट सीरीज इसके क्वेश्चन पेपर के कलेक्शन ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा और ये इसके कंटेंट्स हैं इसके पूरे पार्ट के और यहाँ पर ये स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे आपको इसको क्रिएट करना है ओके चलिए तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक आप परचेस करके ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं चलिए तो हम क्लास आज का स्टार्ट करें और आज के क्लास में हमारा एन सी आर टी न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर आपसे डिस्कस कर लूं और वो ये है कि आप जब भी किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले आप उस चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कर लें जैसे जितने स्टूडेंट्स इस, इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरा सजेशन है कि आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो आप चैप्टर है उसको रिविजन कर लो क्योंकि जब तक आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे आप न्यूमेरिकल नहीं समझ पाओगे दूसरी बात उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज़ हुए हैं वो पूरा फार्मूला आप याद कर लो ये दो काम करके ही आपको न्यूमेरिकल्स पर एंटर करना है ओके अच्छा न्यूमेरिकल कराने कर, करने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए वैसे पहले भी क्लास में मैंने कई बार समझाया फिर एक बार रिपीट करता हूं पहला ये कि क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करो क्योंकि मेरे को मालूम है कि न्यूमेरिकल से बहुत बच्चे भागते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सर बनता नहीं है हमेशा हम, हम कहीं हम मैसेज आता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बहुत ईजी कर दूंगा न्यूमेरिकल को बस मेरी बात आपको मानना है पहला काम स्टेटमेंट को मतलब प्रश्न के कथन को बार बार पढ़ो और पढ़ने के बाद आप ये समझने की कोशिश करो कि आपको प्रश्न में क्या दिया है और क्या ज्ञात करने बोल रहा है दो चीज़ की जानकारी आपको प्रश्न से लेना है उसके बाद प्रॉपर आप लिस्टिंग कर लो जैसे एक दो क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल बनाते समय किस प्रकार से हमको इस पर वर्क करना चाहिए तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपको लिख लेना चाहिए दिया है प्रश्न को पढ़ता हूं मैं और ये बताता हूं आपको कि हमको इसमें गिवन क्या है और गिवन में ही हमको क्या करना है यूनिट को चेंज कर लेना है एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है हड़बड़ी में बस वैल्यूज को लिख लेते हैं और यूनिट पर ध्यान नहीं देते कि उसमें जो मात्रक दिया हुआ है वो किस यूनिट में दिया हुआ है आपको सभी क्वेश्चन ऐसा यूनिट में बनाना है इसलिए शुरुआत से ही मात्रकों को आपको चेंज करते हुए चलना है ठीक है कुछ दिन बाद आपको बहुत अच्छे से हैबिट हो जाएगा है बस थोड़ा पेशेंस के साथ आपको न्यूमेरिकल के जब फोबिया है न्यूमेरिकल के प्रति जो डर है उसको थोड़ा हटाना है आपको पहले तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या दिया है वायु में एक दूसरे से तीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखे मतलब यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच का दूरी दिया हुआ है तीस सेंटीमीटर हम तुरंत लिख दें जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं यह है थर्टी सेंटीमीटर और आपको अभी मैंने बताया कि आपको सीजीएस में नहीं बनाना है क्वेश्चन को आपको एम के एस या एस SI यूनिट बनाना है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें ते हो जाएगा थर्टी इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर तो सबसे पहले तो आपको मात्रक को बदल ही लेना है मात्रक पर विशेष ध्यान देना है ज्यादातर स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं ठीक है थीके? इसके बाद देखो क्या बोलता है दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः दो गुड़ी दस की घात ऋण सात गुलाम और दूसरे पर तीन गुड़ी दस की घात ऋण सात गुलाम देखो एन के क्वेश्चन का एक प्रॉपर फ्लो है मुझे एन के न्यूमेरिकल इसलिए भी बहुत अच्छे लगते हैं कि उसमें डिफिकल्टी लेवल का प्रॉपर एक आर्डर है पहले सीधे सीधे फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर थोड़ा हायर आर्डर पर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन तो ग्रेजुअली जैसे 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 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता है तो स्टूडेंट को प्रॉपर समझ में आता है तो शुरुआत के प्रश्न तो केवल कॉन्सेप्ट फार्मूला पर बेस्ड है इसीलिए मैं दो पार्ट में करा रहा हूँ एक पार्ट हाफ क्वेश्चन दूसरे पार्ट पर तो आप प्रॉपर दो क्लास में इसके पूरे निमेर कर पाएंगे <coughs> तो देखो दोनों आवेश का मान दिया हुआ है एक का दिया है टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन गुलाम तो यहां पर देखो इसको हम क्या कहते हैं क्यू वन पहला चार्ज पहला चार्ज ठीक है तो यह हो जाएगा टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन गुलाम में दिया है तो गुलाम तो इसका यूनिट ही है और दूसरा जो चार्ज दिया हुआ है क्यू टू क्यू टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन गुलाम ये तो उनके बीच कितना बल लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है कैलकुलेशन बेस्ड है सीधा सीधा हमको बोला गया है कि उनके बीच कितना बल रहा है लग रहा है ज्ञात करो माने बल के मान को हमको ज्ञात करना है ये हमारा क्वेश्चन है क्लियर तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अब हमको करना क्या होता है कि जैसे ही हमको पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है क्या ज्ञात करना है तो उसके बाद हम उस सूत्र को याद करते हैं जो उसको मैच करता है तो नेचुरली दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कुलाम ने फार्मूला दिया था तो भाई फार्मूला लिख लो सीधा हम यहाँ पर लिख लें उस फार्मूला को जो हमको यहाँ पर यूज करना है तो क्या है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ इक्वल टू होता है नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन और इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये फार्मूला होता है देखो वन अपान फोर पाई का वैल्यू होता है नौ गुड़ी दस के घात नौ तो बनाते समय हमको उसके को रखना होता है पास है क्या टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन देखो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर ये तो बहुत आसान है केवल सूत्र के मान को भरना है गणना करना है लेकिन मेरा सजेशन है आसान प्रश्नों को भी आप करिए उससे कैलकुलेशन हैबिट डेवलप होगा कि हम गणना कैसे करते हैं इसीलिए मैं बोला कि सरल से कठिन की ओर जाना है दूसरा वैल्यू कितना दिया हुआ है थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और अपान में आर तो आर का मान हमने यहां पर लिखा हुआ कितना तीन गुड़ी दस के हाथ ऋण दो तीस गुड़ी ना तो थर्टी इंटू टेन टू दावर माइनस टू और इसका होल स्क्वायर तो पहले स्टेप में तो आप केवल मान भरो पहले स्टेप में सरल मत कर देना पहले स्टेप में प्रॉपर सबके मान को भर के एक बार दिखाना चाहिए कि भाई जो प्रश्न मेरा है उसमें किसका किसका वैल्यू क्या होगा ओके अब हम यहां पर इसको आगे सॉल्व करें तो देखो सबसे पहले हम इसको 10 की घात को पहले मैं पूरा एक बार लिख लेता हूँ तो 9 इंटू टेन टू दावर नाइन दोबारा उसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं रीराइट करता हूं दैट इक्वल 9 इंटू टेन टू द पावर नाइन इंटू टू इंटू टेन टू दावर कितना है माइनस सेवन ना टू इंटू टेन माइनस सेवन थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और यह इन टू थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और सबके अपान में ये जो स्क्वायर है उसको दो बार लिख लेता हूँ मैं थर्टी इंटू टेन टू दावर माइनस टू इन थर्टी इंटू टेन टू दावर माइनस टू ये हो जाएगा दैट इक्वल अब आगे सॉल्व करें तो दस के घात को पहले सॉल्व कर लें तो क्या होगा देखो ये एफ का वैल्यू है ना ये एफ इक्वल टू ये 9 थ्री इंटू टू सिक्स तो इसको मैं लिख लिया नाइन इंटू सिक्स और इंटू टेन टू दी पावर यहाँ पर देखो टेन का पावर माइनस सेवन है ये भी माइनस सेवन है दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस सेवन माइनस सेवन एड हो जाएगा और हो जाएगा टेन टू दी पावर माइनस फोर्टीन ठीक है और अपन यहाँ पर देखो दस का घात दो ऋण दो, दो चार होगा लेकिन यहाँ पर ये वाला जीरो और ये वाला जीरो ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होके दो जीरो बन जाएंगे दस का घात दो बन जाएगा तो एक इसके साथ में कट जाएगा तो थ्री इंटू थ्री कितना नाइन और एक बचेगा टेन टू दावर माइनस टू अब आगे यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो नेचुरली ये नाइन नाइन के साथ में कट जाएगा और आगे हमको वैल्यू कितना मिल जाएगा सिक्स इंटू टेन टू दी पावर अब माइनस टू को यदि हम ऊपर लेके जाएं तो माइनस टू ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस टू अच्छा सॉरी इसको मैं सॉल्व नहीं किया ना ये नाइन को इसके साथ में ऐड नहीं किया ये भी मैं कर देता हूँ नाइन को ध्यान नहीं दिया तो सत्रह में से नौ को क्या करेंगे माइनस करेंगे क्यों ये में से सॉरी ये कितना हो रहा है ये हो रहा माइनस फोर्टीन और इसके साथ में प्लस नाइन होगा ठीक है तो नाइन को अपन फाइव तो, तो यहां पर टेन टू दी पावर माइनस फाइव होगा ये मैं नाइन को नहीं ध्यान दे पाया था ये हटा दो तो ये कितना हो जाएगा सिक्स इंटू टेन डी दी पावर जाके प्लस होगा तो टेन टू दावर माइनस थ्री और न्यूटन चूंकि हम SI यूनिट में साल्व किए हैं तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है इसलिए सिक्स इंटू टेन पॉल माइनस थ्री न्यूटन आंसर होगा तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन तो केवल फार्मूला पर बेस्ड था कैलकुलेशन पर लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस जरूरी है चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चले ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो जीरो पॉइंट फोर माइक्रोकुल आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में ये मैं हाईलाइट करते जाता हूँ इतना आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेशित गोले के कारण दूसरे गोले के बारे में पता नहीं जीरो पॉइंट टू न्यूटन बल लगता है यहाँ बल का मान दिया है यदि दूसरे गोले पर अच्छा ये आवेश दिया हुआ है दूसरे गोले पर जीरो पॉइंट एट माइक्रोकुल का आवेश हो तो यहां पर दो प्रश्न पूछा है पहला प्रश्न पूछा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है देखो अब वेरिएबल्स को चेंज करते जा रहा है अभी हमको बल पूछा अब हमको दूरी पूछ रहा है बल को दे दिया है तो प्रश्न बिल्कुल सेम है वही फार्मूला लगेगा तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने से पहले क्या करें गिवन लिख लें यह काम आपको जरूर करना है आप ये आदत डाल लो ये आदत डालोगे आपसे न्यूमेरिकल बनने लगेगा तो सबसे पहले गिवन मतलब दिया है तो क्वेश्चन में क्या दिया है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं ठीक है तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है दो आवेश तो दोनों आवेश का मान लिख लेते हैं Q1 वन इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर माइक्रोकुल और तुरंत माइक्रोकुल को आप गुलाम में चेंज कर लो तो यह हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स कुलाम माइक्रोकुल को आपको गुलाम में चेंज कर लेना है इसके बाद उसको चेंज करने के लिए दस के घात घास का कर गुणा करते हैं दूसरा कितना है जीरो पॉइंट एट यह है जीरो पॉइंट एट माइक्रोकुल दैट मीन्स जीरो पॉइंट एट इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स कुलम यह हो गया और दोनों के बीच में लगने वाला बल एफ़ भी दिया हुआ है तो एफ का मान कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू न्यूटन ये दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो इसका पार्ट ए है सपोज ठीक है ये हम पहला इसका पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना है ये हमको पूछ रहे हैं तो मान लेते हैं कि दोनों गोलों के बीच की जो दूरी आर है वह क्या है अच्छा इसको आर मान लेते हैं इसको हम ज्ञात कर लेते हैं चलिए तो ये हमने सबसे पहले क्या लिख लिया सबसे पहले हमने सबका गिवन लिख लिया अब गिवन लिखने के बाद वही फार्मूला यूज होगा जो भी मैंने आपको बताया तो इसका जो फार्मूला है ये गुलाम का नियम F इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू आर स्क्वेयर अब ये सभी मान हम यहाँ पर भर देते हैं पहला दूसरा क्वेश्चन तो केवल गणना पर बेस्ड है दैट इंप्लाइज ये एफ का मान हो जाएगा जीरो पॉइंट टू अब यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होता ना ये जीरो पॉइंट टू हो गया इसके बाद नाइन इं टू टेन टू द पावर नाइन टू पहला जो चार्ज है वो कितना है जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स और दूसरा जो चार्ज है जीरो पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स जीरो पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स और अपान में आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर का हमको मान ज्ञात करना है मतलब आर का मान ज्ञात करना है आर का मान ज्ञात करना है दैट मीन्स ये आर स्क्वायर को एक पक्ष में रखें और बाकी को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देते हैं ठीक है तो आर स्क्वायर को इधर ला रहा हूं मैं और उसको उधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ट इम्प्लाइज दैट इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू power नाइन इंटू बस गणना ही करना होता है इसमें कुछ नहीं है जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इंटू जीरो पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स ये हो जाएगा और अपान में जीरो पॉइंट टू न्यूटन ये अब इसको हम सॉल्व करें

अब यह है जीरो पॉइंट फोर आइए जीरो पॉइंट एट तो इसको मैं इसके साथ में कैंसल आउट करा देता हूं तो यह हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर हो जाएगा ये क्लियर इस तरह से अब हम क्या करें नौ को भी निकाल सकते हैं और चार चार दो बार है उसका भी निकाल सकते हैं और इसके बाद हम दस के घात इसको सॉल्व कर लेते हैं चलिए एक बार इस तरह से करें तो आपका काम आसान हो जाएगा दैट इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू नाइन को नाइन रहने दो इनटू अब मैं क्या कर रहा हूं ये जीरो पॉइंट फोर दो बार है एक जीरो पॉइंट फोर ये तो इसको मैं लिख दिया 0.4 और इंटू जीरो दो बार लिख दिया ठीक है या 0.4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं चलो उतना ज़रूरी नहीं उतना समझ जाओगे इंटू अब यहाँ पर देखो दस की घात नौ है और दस की घात यहाँ पर क्या है ऋण छः है ठीक है तो दस की घात नौ और दस की घात ऋण छः में से हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 का घात कितना हो जाएगा 3, 10 की घात 3। अब यदि 4 होता ये तो ज़्यादा बेहतर था है ना नीचे तो कैंसल आउट हो गया है चार होता तो ज्यादा बेहतर है तो एक जीरो को हम एडजस्टमेंट करके उसको चार बना देते हैं ठीक है <coughs> तो चार चौंक सोलह होगा तो वन पॉइंट वन सिक्स होगा से जीरो को ले लें तो इसका पावर फोर हो जाएगा दो लाइन लिख देता हूं मैं इसके बाद ज्यादा डायरेक्ट करूंगा तो कई लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है खासकर बायो के स्टूडेंट तो हो जाएगा नाइन इन टू इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो पॉइंट वन सिक्स और इन टू हो जाएगा टेन टू दी पावर थ्री दैट implies आर स्क्वा टू इसको नाइन लिखूं और इन टू जीरो पॉइंट सिक्स को यदि मैं क्या है पूर्णांक बनाऊं सोलह उसको सोलह लिख दूं तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन और इन टू इसमें एक टेन का मल्टीप्लाई हो जाएगा दस का गुणा करूंगा उसमें ठीक है तो टेन टू दी पावर कितना हो जाएगा ये आ, फोर ये जीरो पॉइंट जीरो सिक्स होगा सॉरी नहीं नहीं ठीक है जीरो पॉइंट वन सिक्स क्लियर यहां तक अब आगे इसका हम क्या करें स्क्वायर रूट निकाल लें अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखो सबका स्क्वायर रूट यहां से अब निकल रहा है यहां से सबका स्क्वायर रूट निकल रहा है कितना नौ का और इसका दोनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है ये वन पॉइंट सिक्स होगा ना सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है वन पॉइंट सिक्स फिर सिक्सटीन करेंगे तो एक टेन को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है इक्वल, अब मैं इसको रूट निकालूं, तो आर जब इसका रूट निकालूंगा तो नाइन का रूट कितना हो जाएगा थ्री और इनटू ठीक है नाइन का रूट थ्री इन सिक्सटीन का रूट फोर और इन टू टेन टू दी पावर फोर तो टेन टू पावर फोर का जब हम रूट निकालेंगे तो टेन टू पावर फोर का रूट कितना हो जाएगा टेन टू दी पावर टू प्लस माइनस कुछ मिस्टेक कर दिया क्या यहाँ पर मैं हाँ छ छः बारह तीन ये सॉरी तभी मैं सोच रहा हूँ कि माइनस का कैसे हो गया माइनस थ्री होगा और ये माइनस थ्री होगा ठीक है ऐसा होगा ये अब सही है जीरो पॉइंट वन सिक्स यहां पर मैं प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया था क्योंकि ये नाइन है और ये माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व होगा तो माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन माइनस थ्री होगा ठीक है अब ये फोर हो जाएगा अब इसका हम स्क्वायर रूट लें आगे तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा यह माइनस थ्री नहीं बल्कि माइनस फोर होगा सब साइन को चेंज कर लो ये माइनस फोर हो जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का मिस्टेक यहां से हो गया था यहां से अब इसका रूट निकल गया तो आर इक्वल टू फोर थ्री जार ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टेन टू दावर माइनस टू ठीक है तो ट्वेल्व इंटू टेन टू दावर माइनस टू यह हो जाएगा ये मीटर में ये मीटर में हमने पूरा एमकेएस में बनाया है मीटर इसका आंसर हो जाएगा यदि हम इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो इसको हम हटा देंगे तो आर इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर आर इक्वल टू तो ट्वेल्व सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रकार से इसका जो वैल्यू है वो <coughs> बारह सेंटीमीटर आएगा क्लियर तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बस आपको ध्यान में रखना है कि मेरे को <coughs> यूनिट्स वगैरह कैसे चेंज करना है <coughs> आप क्वेश्चन साथ में बनाइए या स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिए ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना लो आप एन सी आर टी न्यूमेरिकल्स के सलूसन का एक अलग से नोट्स बना लो ठीक है तभी सही रहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बीच में कुछ क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं आपको लगेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.2 था और इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1.6 लिया उसका रीज़न क्या है कि बीच में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड हैं मतलब थ्योरेटिकल आंसर पर हैं वो हम आपको पढ़ा चुके हैं तो उसको बनाने की जरूरत नहीं हम सिर्फ वही बनाएंगे जो कैलकुलेशन बेस्ड है मतलब जो न्यूमेरिकल्स है जो प्योर न्यूमेरिकल्स है और जो कॉन्सेप्स क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके उन प्रश्नों पर नहीं करना है वर्क और वो ज्यादा है भी नहीं अब देखो ये क्वेश्चन स्पेशली इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान रखना यहां पर मैं कुछ स्टार्स लगा रहा हूं मैं थ्री स्टार्स लगा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है या तो सेम टू सेम या तो इससे मिलता हुआ क्वेश्चन अब यह क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड पर है ध्यान देना तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए आप मेरे साथ में क्वेश्चन को रीड करिए तो यहां पर आप देखो चार बिंदु आवेश क्यू ए बराबर टू माइक्रोकुल यहां पर चार बिंदु आवेश के बारे में बात हो रहा है क्यू है जो टू माइक्रोकुल है दूसरा क्यू है जो कि माइनस फाइव माइक्रो माइक्रोकुल है और तीसरा क्यू सू है क्यू सी है जो कि टू माइक्रोकुल है और क्यू डी माइनस फाइव माइक्रोकुल है ऐसे फोर अपने पास चार्जेस हैं और ये क्या है दस सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग मान लो हमारे पास दस सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित है मतलब रखे हुए हैं वर्ग के केंद्र पर रखे वन माइक्रोकुल अब जो स्क्वायर का सेंटर है उसके सेंटर में यहां पर एक फिगर बनाएंगे हम वन माइक्रोकुल आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा ये हमको निकालना है यह एक बहुत ही बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं गिवन लिखने के बजाय फिगर बना देता हूं और फिगर के बेस पर उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूं ठीक है ये आपको चित्र से ज़्यादा समझ में आएगा जैसे क्वेश्चन का बिहेवियर होता है वैसे वर्क करना चाहिए ये मैं एक प्रॉपर एक स्क्वायर e बना दिया ये मान लो एक स्क्वायर है ठीक है अब यहाँ से हम इसके चार्जेस को लिखना शुरू करते हैं कि किस किस पॉइंट पर कौन कौन सा चार्ज है तो सबसे पहले हम नाम दें यहाँ से ये मान लो हमारा स्क्वायर का नाम है ए और ये पॉइंट है सपोज़ बी ये पॉइंट है सपोज़ सी और ये वाला पॉइंट है सपोज़ डी इस प्रकार से फिर यहीं पर वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं तो यहाँ पर जो पहला चार्ज है उसका जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है जिसको क्यू ए कहा जा रहा है तो क्यू ए का वैल्यू कितना है टू माइक्रोकुल ये टू कुलाम जहाँ जरूरत रहेगा कुलाम में चेंज कर देंगे फिलहाल हम ऐसे लिख देते हैं दूसरा है क्यू बी तो क्यू बी का जो वैल्यू है वो देखो माइनस फाइव कुलाम माइनस फाइव कुलाम है यहाँ पर क्यू सी तीसरा चार्ज क्यू सी तो क्यू सी का वैल्यू कितना है टू माइक्रोकुल है ठीक है टू माइक्रोकुल है और क्यू डी का जो वैल्यू है ये क्यू डी इसका वैल्यू है माइनस फाइव माइक्रोकुल ये दिया हुआ है इस प्रकार से सबका वैल्यू हमने पुट अप कर दिया अब ए बी सी डी वर्ग के पर है है फिर केंद्र केंद्र की बात करता है। तो केंद्र के लिए हम क्या करें इसके विकर्ण बना लें चलिए हम इसका विकर्ण बना लें तो एक विकर्ण विकर्ण होगा दूसरा विकर्ण ये होगा आपको वर्ग के बारे में मालूम है कि वर्ग का जो केंद्र होता है मान लो हमने उसको यू ओ पॉइंट ले लिया वह उसके विकर्ण का मध्य बिंदु होता है मतलब वर्ग के जो विकर्ण है या उसके डायगोनल कर्ण है वो क्या होता है मध्य बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं मतलब वो मिड पॉइंट होता है ठीक है ये पॉइंट है अब यहां पर जो रखा हुआ है चार्ज वो कितना है वन माइक्रो गुलाम का चार्ज यहां पर रखा हुआ है ओ पॉइंट पर तो इनके साथ इसको मैं क्यू नाट कह देता हूं इसका नाम दे दिया मैंने क्यू नाट ओ पर रखा है क्यू नाट अब हमको क्या करना है वर्ग केंद्र पर रखे इसके लिए लगने वाला बल हमको निकालना है ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्लियर सबको एक बार मैं रिपीट करता हूं ध्यान से सुनो एक वर्ग है और वर्ग के चारों कोनों पर कोने पर ये आवेश रखे हुए हैं और इसके बाद इसके सेंटर पर वन माइक्रो आम का एक चार्ज रखा है तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है परिणामी बल होता है वो कितना होता है हम उसको निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखो जो बल का मान है यहाँ पर ये जो प्लस वन माइक्रो आम है ये प्लस है और ये टू माइक्रोकुल है प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ पर एक बल लगेगा ठीक है इस प्रकार से प्रतिकर्षण का बल लगेगा यहाँ पर एक बल है और इस बल का हम मान ले लेते हैं मान लो इसका, इसका नाम दे दिया मान लो हमने एफ ओ ए इसका नाम दे दिया एफ ओ ए मतलब ओ से ए की तरफ लगने वाला बल इसका नाम हमने दे दिया एफ ओ सी ये बल दे दिया यहाँ पर लगने वाला जो बल है इसको हमने कह दिया एफ ओ बी ये और यहाँ पर लगने वाला बल दे दिया इसको एफ ओ डी दे दिया इस प्रकार से इतने बल लग रहे हैं तो हमको चारों बलों का परिणामी निकालना है चलिए तो अब यहां गिवन लिखने का जरूरत नहीं है हम थोड़ा सा यूनिट को चेंज करने का एक चार्ट बना देते हैं उसको आप गीवन ही समझ लो ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो ए बी तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ए बी दस सेंटीमीटर दिया हुआ है ना यहाँ पर देखो दिया है कि भुजा के किसी वर्ग और केंद्र पर रखे दस सेंटीमीटर वहां पर दिया हुआ है ये दस सेंटीमीटर तो यहाँ पर ये यह ए से बी कितना है दस सेंटीमीटर बी से सी भी 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वर्ग है सी से डी भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर और ए से डी भी 10 सेंटीमीटर होगा इस प्रकार से यहां पर क्या दिया है देखो लिख लिखी देता हूं मैं ए बी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर दस सेंटीमीटर और ये हो जाएगा दस गुड़ी दस की घात ऋण दो मीटर सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया ठीक है अब देखो ओ ए सी क्या है एक विकर्ण है और बी डी दूसरा विकर्ण है तो इसका जो ए सी होगा वह बी डी के बराबर होगा और आपको ज्यामिति में एक प्रमेय पता होगा कि इसका जो विकर्ण है वो क्या होता है रूट टू ए होता है ये हमको मालूम है विकर्ण की लंबाई अंडर रूट टू ए होता है ये हम वर्ग के बारे में जानते हैं तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई दस गुड़ी दस के साथ ऋण दो है तो वो जो कि ए का वैल्यू है तो इसका मान कितना हो जाएगा रूट टू इसका मान हो जाएगा अंडर रूट टू इंटू टेन इंटू टेन टू, टू दावर माइनस टू ठीक है ये पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाला जाता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा टेन रूट टू ठीक है सेंटीमीटर में रखेंगे तो सेंटीमीटर में या मीटर में चेंज कर लेंगे देख लेंगे बाद में वैसे यूनिट नहीं चेंज करने से भी चलेगा क्योंकि फाइनली वो कटने वाले हैं तो ये कितना हो जाएगा रूट टू इंटू टेन ठीक है किसका वैल्यू हो गया ए का अब मैं आपको बताया कि ओ इसका मध्य बिंदु होता है तो देयर फॉर ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा देयर फॉर ओ ए बराबर ये ओ ए अब ये इसका मध्य बिंदु होता है ओ ए बराबर होगा ओ बी के बराबर होगा ओ सी के और बराबर होगा ओ डी के तो ये चारों ओ से ए ओ से बी ओ से सी और ओ से डी ये चारों आपस में बराबर होंगे अब देखो ये मध्य बिंदु होता है तो विकर्ण का मध्य बिंदु और विकर्ण हमने ऐसी निकाला है इतना तो मध्य बिंदु का वैल्यू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टेन रूट टू टेन रूट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू और अपॉन टू उसका आधा मतलब अपॉन टू तो टू उसके टेन के साथ कटेगा तो फाइव अंडर रूट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर इसका वैल्यू होगा तो सब हमने वैल्यूज निकाल लिया कि कहाँ कहाँ से कितना वैल्यू होगा अब सबसे पहले हम निकाल लें एफ ओ एफ ओ ए का मतलब क्या होगा कि सेंटर में ओ में उसके सेंटर में जो वन माइक्रोकुल का चार्ज रखा हुआ है वह जो ए बिंदु पर चार्ज रखा है टू माइक्रोकुल का उसके साथ में कितना बल लगाता है तो एफ ओ ए निकाल लेते हैं ठीक है तो यहां तक क्लियर सबको चलिए तो अब हम गणना स्टार्ट करें तो देयर फॉर फार्मूला लिख लें फार्मूला कौन सा लगेगा चूंकि हमारा जो फार्मूला है वो क्या है कुलाम का नियम ठीक है मान से लिखता हूँ नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन और क्यू वन इंटू क्यू टू अपन आर स्क्वेयर इस फार्मूला से हम पहला फोर्स जो निकालते हैं फर्स्ट नंबर का फोर्स वो है मान लो एफ ओ ए मतलब एफ ओ ए इसको वेक्टर भी अपन लगा सकते हैं बल सदिश राशि है अब इसका मान भरो नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन इं क्यू वन तो Q1 Q2 के रूप में यहां पर मान क्या है देखो एक का मान वन माइक्रोकुलाम है और दूसरे का मान क्या है टू माइक्रोकुलाम है तो ठीक है माइक्रो को पर में हम चेंज कर लेंगे तो एक का वन है और दूसरे का टू है तो मान भरो इसका क्या होगा भरोन टू दावर माइनस सिक्स और दूसरा है टू इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स गुलाम में चेंज करना है और अपान इनकी बीच की दूरी तो इनकी बीच की दूरी क्या है देखो यहां से ओ ए और ओ ए का, का मान कितना निकाला है फाइव रूट टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू तो फाइव अंडर रूट टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू का होली स्क्वायर तो पहला काम है सबका वैल्यू प्रॉपर पुटअप करना ठीक है सभी के वैल्यू को प्रॉपर पुटअप करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम देखते हैं कि, कि कितना न्यूटन का फोर्स आता है दैट इक्वल तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ऊपर को देखो नाइन इंटू टू इसको मैंने लिख लिया एट्टीन इंटू ध्यान रखना टेन का पावर माइनस ट्वेल्व और माइनस सिक्स यहाँ पर प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करना जैसे मैंने पिछले बार कर दिया था ना टेन टू द पावर माइनस थ्री होगा प्लस माइनस को स्पेशली केयर करना अब देखो पांच का वर्ग होगा सबसे पहले पांच का वर्ग होगा तो पाँच का वर्ग कितना हो जाएगा पच्चीस गुड़ित यहाँ पर अंडर रूट का वर्ग होगा तो टू हो जाएगा इन टू टेन टू दावर माइनस टू का वर्ग होगा तो टेन टू दी पावर माइनस फोर हो जाएगा ठीक है इतना वैल्यू इसका आ जाएगा अब और सरल करें इसको और सरल करें तो क्या क्या हो रहा है देखो ये पच्चीस दुनी पचास चलो ठीक है थोड़ा मैं एटीन इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री और अपान क्या किया ध्यान देना थोड़ा थोड़ा काम को आसान करने के लिए पच्चीस गुनी पचास जिसमें दो का गुणा करके उसको सौ बना रहा हूं क्योंकि दस का घात जल्दी साल्व हो जाता है तो यहां पर यह मैं लिख दिया दो गुड़ित पचास और गुड़ित दस की घात ऋण चार जब दो का भाग किया तो दो का मुझे गुणा भी करना पड़ेगा ऐसा कर सकते हैं अपन तो मैंने केवल इसको सौ बनाने के लिए दो का गुणा दो का भाग करें देखो कैलकुलेशन है कि स्मार्ट वर्क है आप जितना भी तरीके से कर सकते हो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आप टीचर का ही फॉलो करो प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करते करते वो आपके अंदर डेवलप हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा अट्ठारह दूनी छत्तीस ये थर्टी सिक्स हो गया और इन टू ध्यान देना ये पच्चीस पचास दूनीस सौ हंड्रेड हंड्रेड में टू जीरो आता है तो माइनस फोर के साथ ये माइनस फोर है ना माइनस फोर के साथ में टू एड होगा माइनस टू होगा और माइनस टू जाके ऊपर में प्लस टू हो जाएगा इसके साथ में तो टेन टू दावर माइनस थ्री प्लस टू ठीक है इतना तो ओरल करते बनना चाहिए ना तो यहाँ पर कितना हुआ एक लाइन और लिख दूँ चलो भाई कुछ लोग परेशानी महसूस करते हैं मेरे को मालूम है यह हो गया अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हंड्रेड और इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर देट इक्वल टू अब यह हो जाएगा थर्टी सिक्स और इंटू अब ध्यान देना टेन का पावर यहाँ माइनस फोर यहाँ पर टू आएगा माइनस टू और इसके साथ में जाके हो जाएगा प्लस टू तो टेन टू द पावर माइनस वन जिसको हम लिख सकते हैं थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स न्यूटन तो ये हमारा 3.6 न्यूटन हो गया किस बल का मान एफ ओ ए का मान हो गया अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान देना खास बात ये है कि जितना बल एफ ओ ए लगेगा उतना ही बल एफ ओ सी के तरफ लगेगा क्यों यहाँ पर भी उतनी ही दूरी है यहाँ पर भी आवेश टू माइक्रोकुल है यहाँ पर भी आवेश टू माइक्रोकुल है तो उसको बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है उसको मैं सीधा लिख सकता हूँ एफ ओ सी आपको जरूरत नहीं उसको बार बार कैलकुलेट करने का सिमिलरली करके आप लिख सकते हो ठीक है तो इसी तरह हम क्या लिख दें दे आर फॉर एफ ओ सी एफ ओ सी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स न्यूटन इसको पुनः कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है चूंकि दोनों बिल्कुल समान है तो दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है अब एक दूसरे का सॉल्व वो कर लेते हैं ठीक है तो एफ ओ बी इसका क्या सिचुएशन है देखूं एक बार ए निकाल लिए ओ सी निकाल लिए ओ ए तो यहां पर माइनस फाइव माइक्रोकुल है हाँ तो वैल्यू अलग है इसको हम अलग से निकाल लेते हैं ठीक है तो एफ ओ बी निकाल लेते हैं अगेन एफ ओ बी इक्वल टू वैल्यू को पुट करता हूं नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन और इंटू दूसरा वैल्यू है वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स वो रहेगा ही और तीसरा वैल्यू है वो है माइनस फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स क्योंकि वहाँ पर जो आवेश रखा है वो माइनस फाइव माइक्रोकुल का है तो इतना वैल्यू पुट कर देंगे और अपान डिस्टेंस तो तीनों का सेम है तो सबका डिस्टेंस कितना आया है फाइव अंडर रूट टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू और इसका स्क्वायर हो जाएगा दैट इक्वल अब वैल्यू हम साल्व करें तो नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन इंटू यहां पर क्या हो जाएगा देखो ये माइनस साइन को मैं सामने लिख देता हूं बाहर वो तो केवल उसका नेचर शो कर रहा है ये हो जाएगा और यहां पर फाइव को फाइव ही रहने दूँ <coughs> सॉरी <स्वारी. coughs> और ये इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स और अपन फाइव अच्छा इसका स्क्वायर कर दूं मैं <coughs> तो हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू टू इंटू टेन टू दावर माइनस फोर ये होगा अब इसको हम सॉल्व करें देखो इसको हम सॉल्व करें तो दैट इक्वल माइनस नाइन इंटू नाइन इंटू फाइव इंटू एक काम करता हूँ पहले मैं इसको जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट करा देता हूँ ठीक है कौन कौन कैंसल आउट हो रहा है ये फाइव हो रहा है ये फाइव जा पाँच पंच पच्चीस ठीक अब सॉल्व करें इसको तो कितना हो जाएगा यहाँ से नाइन हो गया और टेन टू दी पावर माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री होगा और अपा नीचे में पांच दूनी दस टेन इंटू टेन टू पावर माइनस फोर ऐसा होगा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ठीक ठीक है।, है टेन के पावर को और साल्व कर लेते हैं अच्छा ये माइनस में रहेगा ना ये माइनस दैट इक्वल माइनस देखो यहां पर एक दस का घात इसके साथ में कितना हो जाएगा टेन टू दी पावर माइनस थ्री हो जाएगा टेन टू दावर माइनस थ्री कैंसिल होगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा माइनस नाइन न्यूटन आएगा ये माइनस नाइन न्यूटन आएगा तो ये जो एफ ओ बी है अब यहां पर एक बार फिगर में आओ और यहां पर आप देखो इस फिगर से आप ध्यान से समझना यहां पर माइनस फाइव माइक्रोकुल है और यहां पर भी माइनस फाइव माइक्रोकुल है यहां से यहां तक की दूरी सेम यहां से यहां तक की दूरी सेम ये चार्ज सेम ये भी माइनस है तो एफ ओ डी का वैल्यू भी उतना ही हो जाएगा एफ ओ डी का वैल्यू भी उतना ही हो जाएगा तो अगेन करके हम सिमिलरली लिख लेते हैं अगेन एफ ओ डी एफ का वैल्यू हो जाएगा माइनस नाइन न्यूटन माइनस नाइन न्यूटन अब यहां पर आप देखो सभी बलों का संतुलन तो यहां पर आप क्लियर है कि जो मैंने आपको बताया एफ ओ ए का वैल्यू एफ ओ ए का वैल्यू 3.6 न्यूटन है और एफ ओ सी का वैल्यू भी 3.6 न्यूटन है और दोनों के डायरेक्शन क्या है जस्ट अपोजिट है उसी तरह से एफ ओ बी का जो वैल्यू है वह क्या है नाइन न्यूटन है न्यूटन और एफ ओ डी का वैल्यू भी माइनस नाइन न्यूटन है दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो नेचुरली आप चित्र से देखो तो चित्र से यहां से पता चलता है कि जितना बल इस दिशा में लगेगा सुनना ध्यान से यहां पर एक्सप्लेनेशन ना इस दिशा में जितना बल लगेगा उतना ही विपरीत बल इस दिशा में लग रहा है जितना बल इस दिशा में लग रहा है उतना ही उसके विपरीत बल इतने दिशा में लग रहा है इस प्रकार से यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा हो सेंटर में वो संतुलन में रहेगा वह चार्ज संतुलन में रहेगा तो संतुलन में रहने के कारण संतुलन में रहने के कारण क्या होगा वह बैलेंस कंडीशन में रहेगा और वह जीरो हो जाएगा इस प्रकार से यहां पर जो एफ नेट फोर्स होगा मतलब यहां पर एफ का जो नेट फोर्स होगा वह नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो होगा तो केंद्र पर लगने वाला जो बल है उसका मान जीरो होगा यह आप ध्यान रखना क्लियर एक बार देख लो ध्यान से कैलकुलेशन को एक बार कैलकुलेशन को आप ध्यान से देख लो और इसको बस दो बार गणना करने की जरूरत है चार बार गणना करने की जरूरत नहीं है ओके okay? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दे दे कि जनरली वर्ग वाला क्वेश्चन ही आता है तो इसमें बस आपको इसको वैल्यूज को अलग अलग देगा ठीक है इसके वैल्यूज को अलग अलग देगा बाकी तो वही रहेंगे एक बार कैलकुलेशन को प्रॉपर चेक कर लेना कभी कभी हमसे भी प्लस माइनस वगैरह का धोखा हो जाता है ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम वन पॉइंट एट दो बिंदु आवेश क्यू वे तथा थ्री क्यू सी ये फोर कहाँ से प्रिंट हो गया यहां पर ये फोर नहीं रहेगा धोखे से छपा है ना ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है ये हटा देना फोर कुछ नहीं है वो वो मिस प्रिंट है देखो दो बिंदु आवेश क्यू ए थ्री माइक्रोकुल का और क्यू बी माइनस थ्री माइक्रोकुल का निर्वात में एक दूसरे से बीस सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है निर्वात में रखे हैं और दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं ठीक है दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा ए बी के बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा पहला क्वेश्चन पूछता है और यदि 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पर माइनस नाइन गुलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश वहां पर रख दें तो बल कितना होगा माने दो कंडीशन में हमको इस क्वेश्चन को बनाना है और मीट पॉइंट पर तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है देखो यहाँ पर भी मैं आपको एक चित्र बना दूँ तो गिवन आप वहीं से ज़्यादा बेहतर समझ जाओगे तो चित्र मैं यहाँ पर बनाता हूँ देखो चित्र पर ही मैं सब मेंशन कर देता हूं यहां पर एक आवेश मान लो यहां पर है दूसरा आवेश यहां पर है और तीसरे की जो बात करता है उसको मैं पहले से यहां पर बना दिया अब यहां पर इसके वैल्यूज देखो दो बिंदु आवेश क्यू ए थ्री माइक्रोकुल ये मान लो क्यू ए है तो क्यू ए क्या है थ्री माइक्रोकुल है और दूसरा जो ए पॉइंट पर है ना और दूसरा जो बी पॉइंट पर है उसका वैल्यू है क्यू बी तो क्यू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस थ्री माइक्रोकुल माइनस थ्री माइक्रोकुल दिया है एक दूसरे से बीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है यह दिया हुआ है ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों आयसों मिलाने लिए रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओपर यह मध्य बिंदु है तो नेचुरली यह कितना हो जाएगा टेन सेंटीमीटर हो जाएगा यह टेन सेंटीमीटर होगा के बीच कितना क्षेत्र होगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सीधा फार्मूला यहां पर क्षेत्र कितना होगा मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है ठीक है क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपको फार्मूला पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है ई इक्वल टू होता है नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन और क्यू अपॉन आर स्क्वेयर यह होता है दैट इक्वल नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन और इन आवेश तो देखो यहाँ पर आवेश का जो मान है सबसे पहले हम दोनों के बीच का निकाल रहे हैं मतलब ए के कारण निकाल रहे हैं मान लो तो इसको मैंने ई ए, ए कह दिया ये ए के कारण है ई ए, ए तो पहला ए पर जो आवेश है वो आवेश कितना है ए पर जो आवेश है थ्री माइक्रोकुल का है ठीक है तो ये कितना हो जाएगा थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स और इनके बीच का डिस्टेंस तो यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस है टेन सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज कर दें तो दस की घात ऋण दो का गुणा हो जाएगा ते हो जाएगा टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू का होल स्क्वायर ये वैल्यू हम साल कर लें तो कितना हो जाएगा नौ या सत्ताइस या ट्वेंटी सेवन इंटू टेन टू द पावर छः ये 27 6 कितना हो जाएगा थ्री यहाँ पर प्लस थ्री होगा ये प्लस थ्री माइनस थ्री का वही चक्कर रहता है इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है हमको जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो अकेला आवेश है बल रहता तो दो आवेश ऐसे रहते तो दस की खास रीढ़ ऋण छः ऋण बारह हो जाता तो यहां पर नौ में से ऋण छः घटेगा केवल तो कितना बचेगा तीन और यहां पर वर्ग कर दें तो दस का वर्ग मतलब कितना हो गया सौ और दस की घात ऋण चार ये होगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में ज्यादातर तो गुणा भाग ही है और क्या रखा हुआ है तो सत्ताईस गुणी दस की घात तीन ट्वेंटी सेवन इंटू टेन टू दी पावर थ्री और अपान में देखो ये हंड्रेड में टू और माइनस टू ठीक है तो कितना होगा टेन टू दी पावर माइनस टू टेन टू दी पावर माइनस टू दट इक्वल ट्वेंटी सेवन इंटू टेन टू दी पावर ऊपर जाके फाइव हो जाएगा या इसको हम लिख सकते हैं टू पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दी पावर सिक्स इतना न्यूटन का फोर्स यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ठीक है तो न्यूटन कूलाम हो जाएगा इतना बल यहाँ पर लगेगा तो एक आवेश के कारण हमने बल निकाल लिया यहाँ पर टू पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स प्लस सिक्स आएगा इतना हो गया न्यूटन पर कुलाम। तो ये हो गया ई e ए का वैल्यू अब हम किसका निकाल लें ई e बी का वैल्यू निकाल लें तो जैसे हम ई e ए का वैल्यू निकाले हैं एग्जैक्ट उसी तरह से कित का वैल्यू निकालेंगे ई e बी का वैल्यू निकालेंगे लेकिन ई e बी आवेश को आप चित्र में देखो कि ई e बी आवेश क्या दिया हुआ है वह निगेटिव दिया हुआ है ठीक है तो उसका वैल्यू निगेटिव में आएगा लेकिन उसको प्रतिकर्षित करेगा है ना एक मिनट क्यों आवेश दोनों आवेशों के मिलाने रेखा मध्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा अच्छा परिणामी होगा दोनों का सम हो जाएगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यदि दोनों प्लस रहते तो रिपल करते और एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सिमिलरली हम लिख सकते हैं तथा देआर फॉर क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है ना तो ई e बी बराबर, तो e बराबर कितना हो जाएगा? Into 10 to the power 6 हो जाएगा जाएगा न्यूटन पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ना चूंकि एक धन आवेश तो दोनों जुड़ेंगे दोनों धन आवेश रहते तो प्रतिकर्षित करते दोनों ऋण रहते तो प्रतिकर्षित माइनस लगता तो दोनों का मान को अप कर दो ये हो जाएगा 2.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर सिक्स और प्लस 2.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर सिक्स दैट इक्वल अब इसको सॉल्व करें तो दुगना हो जाएगा दोनों जुड़ के दो हो जाएंगे तो दो में 2.7 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5.4 ये हो गया 5.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स न्यूटन परकूलम तो इतना फोर्स लगेगा 5.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स ये इसका आंसर होगा ठीक है आप लोग अपने एनसीआरटी के बुक से आंसर को टेली कर लेना एक बार कहीं पर कोई प्लस माइनस इधर उधर का मिस्टेक हो तो आप थोड़ा करेक्ट भी कर लेना वैसे नहीं होता है ना फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स अब हम यहां पर देखें सॉरी क्वेश्चन में क्या बोला है आगे सेकंड पार्ट यह तो ए पार्ट हुआ ठीक है ये सलूशन का ये पार्ट हुआ यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि पार्ट ए है कंफ्यूजन मत हो ये हमने इसका ए पार्ट को बनाया अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है देखो यदि 1.5 10 टू द पावर -9 कूलंब परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा तो ये जो परीक्षण आवेश है कितने बल का अनुभव करेगा तो बल का अनुभव करने के लिए आवेश का मान कितना दिया वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंट टू दावर माइनस नाइन वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी माइनस नाइन चूंकि ठीक है बल का मान क्यू का मान जब हमको दे दिया है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी माइनस नाइन प्लस माइनस कुछ थोड़ी दिया ठीक है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन गुलाम ये हमको दिया है बल कम आवेश का मान जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो और आवेश पता हो तो हम बल किस फार्मूला से निकाल सकते हैं देयर फोर हमको बल के बारे में पता है बल एफ इक्वल टू क्या होता है ईक्ल टू एफ अपाने तो ये होता है क्यू इन ई बल एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई और क्यू हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ई e हमने निकाला है तो बल निकल जाएगा तो मान को भर दें हम इसका दैट इक्वल टू पावर माइनस यहां पर चिन्ह का ध्यान रखना प्लस दिया रहेगा तो प्लस लिखना है माइनस दिया रहेगा तो माइनस लिखना है कुछ भी दे सकता है और इन टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अभी निकाला है कितना फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स ये हो जाएगा फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स इसका तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लूँ मैं वन पॉइंट फाइव इंटू फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फोर एट पॉइंट वन आएगा ये हो जाएगा एट पॉइंट वन और इन टू टेन टू दी पावर माइनस नाइन और माइनस सिक्स तो माइनस थ्री ठीक है अब ये न्यूटन हो जाएगा ये इसका आंसर होगा ओके तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जहां पर मीट पॉइंट में बैलेंसिंग से रिलेटेड अपने को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ठीक है मीट पॉइंट पर बैलेंसिंग से चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर अगला प्रश्न यह क्वेश्चन भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान देना यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन मैं आप इंपॉर्टेंट कहूंगा तो आप समझ जाना यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं किसी, ने किसी न किसी पैटर्न पर तो ध्यान देना यह क्वेश्चन क्या है किसी निकाय में किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन कुल तथा क्यू बी बराबर माइनस टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दि पावर माइनस सेवन कुल क्रमशः दो बिंदुओं एक ये देखो ये निर्देशांक पर बेस्ड है ये निर्देशांक पर बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर, हाँ पर निर्देशांक दिया है वो भी थ्री डायमेंशन में एक्स वाई और जेड ठीक है तथा बी इक्वल टू जीरो जीरो और प्लस फिफ्टीन सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण ज्ञात करो बहुत बेस्ट क्वेश्चन है तो इसके लिए जब तक मैं एक फिगर ना बनाऊँ आप नहीं समझ पाओगे और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा इसलिए सबसे पहले थ्री डायमेंशन के इसके फिगर बना लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पर दोनों को ध्यान देना तो दोनों में क्या है जेड एक्सिस का वैल्यू को दिया हुआ है और एक्स और वाई जीरो है तो आपको मालूम है निर्देशांक बेसिक मैथमेटिकल टूल से मैंने पढ़ाया था कि जो दो निर्देशांक नहीं होते जीरो होते हैं और जो होता है वहाँ पर वो पॉइंट अवस्थित होता है तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बना दूं, तीनों डायमेंशन को हम जरूरत के हिसाब से वहाँ पर ये थ्री एक्सिस हैं यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ एक्स एक्सिस इसको दे देता हूँ वाई एक्सिस और इसको जेड क्योंकि जेड पर मेरे को पॉइंट को बताना है और ये इसका मूल बिंदु है ओ तो एक पॉइंट ए है कहाँ पर है वो पॉइंट जीरो जीरो माइनस फिफ्टीन अच्छा माइनस फिफ्टीन पर है तो माइनस फिफ्टीन मतलब निगेटिव डायरेक्शन को भी हमको दिखाना पड़ेगा तो निगेटिव डायरेक्शन इसका इधर आएगा ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से तो यहाँ पर जो पॉइंट है देखो यहाँ पर जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है और इसका जीरो जीरो माइनस फिफ्टीन जीरो जीरो माइनस फिफ्टीन इसका पॉइंट है और ये बी पॉइंट है देखो बी और इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 0 0 15 यहां पर प्लस 15 और माइनस 15 केवल डायरेक्शन को शो कर रहे हैं आप ऐसा मत समझना कि रीड 15 डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव हमको मालूम है कि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता तो दूरी तो धनात्मक ही होता है लेकिन चूंकि ये धनात्मक दिशा में है तो प्लस 15 और ये माइनस 15 इस प्रकार से हमने इसको यहां पर लिया हुआ है ठीक है ये चीज है और क्यू ए पर जो आवेश है इसका मान यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो क्यू ए बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है उसका मान है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन है और यहाँ पर बी पॉइंट पर जो आवेश रखा हुआ है क्यू बी तो क्यू बी का जो वैल्यू है वह है माइनस टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द माइनस सेवन ऐसा है निगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और पॉजिटिव डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज रखा हुआ है अब देखो ए और बी के बीच का जो कुल दूरी है वो कितना हो जाएगा देखो ये ए बी के बीच का दूरी है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ध्यान देना ये ए बी के बीच का कुल दूरी है तो नेचुरली यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर मूल बिंदु से यहाँ तक 15 है और यहाँ पर भी 15 है तो टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस करके जीरो नहीं कर देना तो ए बी एक्चुअल में ए बी जो डिस्टेंस है वो ओ ओ ओ ए ए प्लस प्लस क्या होगा o, होगा बी और ओ यह भी फिफ्टी है, है। यहीं पर कई स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं क्या करते हैं इसको प्लस फिफ्टीन लिखेंगे, लिखेंगे और जीरो तो दूरी जीरो थोड़ी हो जाएगा ऋण तो केवल उसके ऋणात्मक दिशा को बता रहा है तो ए बी का जो वैल्यू होगा वह थर्टी सेंटीमीटर है इसी क्वेश्चन के लिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसी के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो 30 सेंटीमीटर दैट मीनस 30 इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर ये क्या हो गया ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया अब तो कुछ भी प्रॉब्लम निकाय पर कुल आवेश तथा विद्युत ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो निकाय पर कुल आवेश निकालना है कुल आवेश निकालने के लिए हमको बल निकालना पड़ेगा निकाय पर कुल आवेश बोला है तो निकाय पर तो प्लस और माइनस आवेश हो तो जीरो हो जाएगा अच्छा अच्छा निकाय पर कुल आवेश पहले निकाल लें तो पहला पार्ट देयर फॉर निकाय पर कुल आवेश निकाय पर पूरे सिस्टम पर तो आवेश तो निगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से एडिटिविटी ला मैंने आपको पढ़ाया था योज्यता का नियम तो आवेश तो प्लस माइनस के हिसाब से जुड़ते घटते हैं तो आवेश पर निकाय पर पूरा जो क्यू टोटल आवेश होगा वो क्यू होगा और Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं क्यू ए प्लस क्यू बी लिख सकते हैं तो क्यू ए का जो वैल्यू होगा क्यू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है पावर माइनस सेवन टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और क्यू बी का वैल्यू है माइनस टू पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन दैट इक्वल दोनों कैंसल आउट होके जीरो हो जाएंगे तो यहां पर जो टोटल आवेश आएगा ये टोटल आवेश जो हो होगा पूरे निकाय का वो जीरो हो जाएगा तो टोटल आवेश तो जीरो हो गया यहां पर ठीक है अब हमको क्या निकालना है यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण दूसरा पार्ट द्विध्रुव आघूर्ण दूरी दूरी आघूर्ण का जो वैल्यू होता है पी इक्वल टू होता है टू क्यू एल टू क्यू एल मतलब दोनों के बीच का या क्यू इन टू एल इस फॉर्म में लिखूं तो आप बढ़िया समझोगे क्यू और इन दोनों के बीच की दूरी जिसको हम उसकी प्रभावी लंबाई कहते हैं प्रभावी दूरी कहते हैं ये होता है तो आवेश मतलब दोनों में से कोई एक आवेश दोनों में से कोई एक आवेश तो एक आवेश का मान को अपन पुट अप कर देते हैं ये टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और दोनों के बीच की जो दूरी है ये मैं आपको ए बी निकाल के बताया हूं यही एक्चुअल में क्या है टूएल्व है यह टूएल्व का मान है तो थर्टी इन टू टेन टू दावर माइनस टू ठीक है दैट हो जाएगा थर्टी इंटू टेन टू दावर माइनस टू ये हो जाएगा तो पच्चीस पचहत्तर ये सेवन पॉइंट फाइव कर दो इसको पच्चीस तिया पचहत्तर और इंटू टेन टू द पावर एक जीरो के हक आएगा उसको, उसको उसके साथ माइनस है इसके साथ में तो माइनस एट ये हो जाएगा 7.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस एट सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस एट ये और कुल मीटर इसका यूनिट कितना होता है कुल इंटू मीटर यूनिट लिखना जरूरी है कई बार हम न्यूमेरिकल्स में यूनिट नहीं लिखते तो आधा नंबर एक नंबर टीचर्स काट देते हैं और सही भी है क्योंकि आपको सभी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद रहना चाहिए ठीक है तो यह एक बेस्ट क्वेश्चन है इसी में यदि आपको मैं एक और क्वेश्चन एड कर देता हूँ हालांकि एनसीआर में पूछा नहीं है कि दोनों के बीच लगने वाला बल कितना है तो दोनों के बीच लगने वाला बल भी आप निकाल सकते हो क्या ये क्यू ये हो जाएगा ये क्यू बी हो जाएगा और दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगा तो दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है वो भी निकाल सकते हो और वह बल आकर्षण बल होगा क्योंकि एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये सिचुएशन आपको समझना है ओवरऑल निमेलगस में आप एक खास बात देख रहे होंगे कि हमको क्या करना होता है क्वेश्चन को प्रॉपर समझना होता है क्वेश्चन को प्रॉपर समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम ये 1.10 इस क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से 4 इंटू टेन डिज पावर माइनस नाइन ठीक है 4 इंटू टेन डिज पावर माइनस नाइन सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू टेन डिज पावर फोर न्यूटन पर कुलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 अंश पर संरक्षित है द्वित्व पर कार्यरत बल आघूर्ण पर परिमाण परिकलित कीजिए परिकलित कीजिए मतलब गणना कीजिए ठीक है तो यहाँ पर टार्क निकालने बोल रहा है भाई टार्क निकालने बोल रहा है सिचुएशन को आप समझो सभी न्यूमेरिकल्स करने वाले स्टूडेंट से मेरा बार बार सजेशन है को कि चैप्टर रिवाइज कर लेना कभी कभी क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे, रहे चैप्टर का पता ही नहीं है क्या है तो बल आभूर्ण पता है ना चलो बल अभूण का मैंने आपको बताया था कि एक समान मान लो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है ये कुछ लाइन से मैं शो कर देता हूँ ये एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा है अब यहां पर क्या है मान लो हमारे पास जो जिस दिशा में बोला है कि विद्युत क्षेत्र दिशा तीस अंश के कोण पर संरेखित है मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये तीस अंश के कोण बना के ये संरेखित है इस दिशा में है

विद्युत दिया हुआ है फाइव इंटू टेन टू दी पावर सब तो दे दिया है वैल्यू बस आपको वैल्यू पुट करना है कोई ज्यादा प्रश्न कठिन नहीं है सूत्र बस पता रहना चाहिए था तो पी का वैल्यू हम पुट करें ठीक है कर दो वैल्यू फोर इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन इंटू फाइव इंटू टेन टू दी पावर फोर और इन टू साइन थर्टी डिग्री क्योंकि कोण का मान को दिया हुआ है यहां पर आप चित्र में देखो कोण के मान को थर्टी डिग्री दिया हुआ है ठीक है तो साइन थर्टी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए साइन थर्टी का वैल्यू कितना होता है साइन तीस एक बटे दो है ना तो मान को भरे हम यहां पर पांच चौबीस ये तो हो गया बीस और गुड़ी दस की घात पांच चौबीस बीस और गुड़ी दस की घात ये हो जाएगा माइनस फाइव माइनस नाइन इंटू फोर मतलब माइनस फाइव और इंटू साइन थर्टी डिग्री का वैल्यू वन अपॉइंट टू हो जाएगा इस प्रकार से ये दस हो गया दस और एक फिर उसके साथ तो टेन टू दावर माइनस फोर टेन टू दावर माइनस फोर टेन टू दावर माइनस फोर न्यूटन मीटर बला गुण का मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर न्यूटन इंटू मीटर ये इसका आंसर होगा तो देखो इस फार्मूला पर बेस्ड है ये पीई साइन थीटा पर इस तरह से निकल जाएगा और इस तरह से सिचुएशन इसका यह होगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा यह ओके क्लियर सबको नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो उनसे रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा देखो ये भी क्या है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज आवेश का जो क्वांटमीकरण uh, है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है क्या कहता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा थ्री इंटू टेंट माइनस सेवन के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया पॉलीथीन का टुकड़ा पॉलीथीन के टुकड़े के ऊनी कपड़े से जब रगड़े तो उसमें थ्री इंटू टेंट और माइनस सेवन गुलाम का ऋण आवेश ध्यान रखना ऋण आवेश बनता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेता है और उसका द्रव्यमान बढ़ता है ये सब कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझाया गया है बनता है तो स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए देखो अब किस पदार्थ से किस पदार्थ में वो तो मैं आपको ऐसे ही बता दिया क्वेश्चन में जो ऋण आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है सीधा आंसर तो पहले पता चल गया आपको स्थानांतर किस पदार्थ से किस पदार्थ में तो ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथिन के टुकड़े में ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथिन में जा रहा है तभी तो पॉलीथिन में ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है तो किस पदार्थ से किस पदार्थ में ऊन से पॉलीथीन में ठीक है यहां पर यही लिख देता हूं ऊन से पॉलीथीन पर तो ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ठीक है अब उसका मान भी पूछा है अपने को मान भी पूछा है तो फिर मान निकाल देते हैं इसका किस से क्यू इक्वल टू एन इन से रेड आवेश ठीक है, है तो हमको फार्मूला पता है आवेश का क्वांटमीकरण याद है ना भाई सबको Q बराबर होता है n इंटू ई क्यू इक्वल टू एन इंटू ई पर पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो n बराबर हो जाएगा Q बटे ई अरे एन इंटू ना इस माली, ये बस मान को भर दो देर फॉर N इक्वल टू आवेश तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश आवेश होता है कुल आवेश यहां पर कुल आवेश का मान दिया है थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन ये कुल आवेश है जो उत्पन्न हुआ और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन गुलाम और ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है तो खैर यहां ऋण लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता ऐसा कि ऋण संख्या धन संख्या नहीं होगा उसको लिखने का जरूरत नहीं है ठीक है उसका कोई मतलब नहीं है तो मान को भर दो और इसको भाग चलो भाग करें फिर थ्री में वन पॉइंट सिक्स डिवाइड करता हूं थ्री में वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट एट सेवन फाइव वन पॉइंट एट सेवन फाइव यह होगा और इन टू टेन टू दावर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो सेवन तो प्लस ट्वेल्व ये हो जाएगा प्लस ट्वेल्व इतना होगा इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जब ऊन से जब इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे तो उतना आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश के क्वांटिंग पर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लियर आपको बी पार्ट में क्या पूछा है क्या उनसे पॉलीथिन में सहती का स्थानांतरण भी होगा बिल्कुल होगा ये बढ़िया क्वेश्चन है सेकंड पार्ट बोलता है क्या मास भी ट्रांसफर होगा तो भाई क्यों नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन डि पावर माइनस थर्टी वन के जी एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाकर उसको ज्वाइन करेगा तो मास भी जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ में ठीक है तो बिल्कुल जाएगा तो उस पर जाएगा और उसका गणना भी कर देते हैं गणा भी कर दे कितना जाएगा पूछा तो नहीं है प्रश्न में क्या जाएगा बोल रहा है बस बिल्कुल जाएगा तो इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है सुनना ध्यान से इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है उसमें नंबर आप इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो दे फॉर मास देयर फॉर स्थानांतरित स्थानांतरित द्रव्यमान स्थानांतरित द्रव्यमान मान लो इसको मैं कैपिटल एम कह दूं तो स्थानांतरित द्रव्यमान कितना हो जाएगा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर इतना मास और कितना इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है भाई नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस थर्टी वन के जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है देखो यहां पर 1.875 वन पॉइंट एट सेवन फाइव वन पॉइंट एट सेवन फाइव इंटू टेन टू पावर ट्वेल्व अब यहाँ तो मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ आप लोग मैनुअली खुद से मल्टीप्लाई करने का प्रैक्टिस करना भाई ठीक है आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा वन पॉइंट एट इंटू टेन पर माइनस एटीन वन पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस 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 एट्टीन ठीक इतना मास होगा केजी में इतना मास केजी में होगा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दो विद्युत रोधी आवेशी तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन पर माइनस सेवन गुलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा गोलों के बीच की दूरी देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन नंबर 1.12 थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता देता हूँ और इसके बाद जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1.13 पॉइंट वन थ्री यहाँ मान लीजिए प्रश्न एक दशमलव एक दो में लिखा हुआ है मतलब ये दोनों क्वेश्चन ये जो 12 नंबर का और 13 नंबर का न्यूमेरिकल है ये इंटरकनेक्टेड है मतलब 12 के क्वेश्चन के बेस पर 13 को भी हमको बनाना है तो थोड़ा ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका थ्योरी में पढ़ाते समय मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एक आवेश से दूसरे आवेश को जब टच कराया जाता है एक आवेश को दूसरे आवेश से जब टच कराया जाता है और टच करा के जब दोनों को अलग अलग किया जाता है टच करा के जब दोनों को सेपरेट करते हैं हम तो उस कंडीशन में क्या होता है दोनों में आवेश का जो मान है समान वितरित होता है और क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉइंट टू होता है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है तो पहला पार्ट को हम पहले सॉल्व करें और प्रश्न को एक बार आप लोग और ध्यान से समझो और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है मैं यहां पर कुछ सांकेतिक फिगर बना देता हूं तांबे के हमारे पास दो एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है ठीक है ये केंद्रों के बीच की दूरी पचास सेंटीमीटर है प्रश्न में बोला है कि इनके केंद्र की बीच की जो दूरी है ये तो इनके केंद्र की बीच की दूरी कितनी है पचास सेंटीमीटर है ये पचास सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंट फाइव इंट टेन माइनस सेवन गुलाम है दोनों में आवेश समान है मतलब ए और बी है ना तो इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया दोनों पर आवेश समान है कहने का मतलब क्यू ए का जो वैल्यू है वह है सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द माइनस सेवन और दूसरा जो आवेश है क्यू भी वो है सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द माइनस सेवन दोनों में समान है इनमें पारस्परिक स्थिर प्रतिकर्षण बल कितना है नेचुरली दोनों प्रतिकर्षित करेंगे क्यों क्योंकि दोनों समान आवेश है तो पहला पार्ट तो आसान है कि इसका दूसरा पार्ट मतलब वन पॉइंट वन थ्री वो जो क्वेश्चन है वो जबरदस्त है पहला तो सीधा सीधा है गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की तो ठीक तो है यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी का कर दिया जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना होगा चलो ठीक है तो पहले हम इसका ए पार्ट को सॉल्व करें ए पार्ट को सॉल्व करें तो दोनों के बीच के बल दोनों के बीच का जो बल होगा एफ वो नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन और क्यू ए और इन क्यू बी और अपान इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर इससे सॉल्व होगा तो ये तो बहुत आसान है हमने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बनाया नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन इंटू दोनों का आवेश कितना है दोनों का मान समान है ना सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन और इसका भी सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन और इनका बीच की दूरी पचास सेंटीमीटर तो पचास गुड़ी दस की घात ऋण दो का पूर्ण वर्ग ये हमने यूनिट को चेंज कर दिया ठीक है अब इसको हम सॉल्व करें इसको हम सॉल्व करें तो एक बार तो मैं रफ आइडिया नाइन इंटू सिक्स पॉइंट फाइव और इंटू सिक्स पॉइंट फाइव और इन टेन टू दी पावर माइनस सेवन और माइनस सेवन माइनस फोर्टीन ठीक है और ये नाइन को उसके साथ में एड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव नौ पाँच चौदह यह हो जाएगा माइनस फाइव माइनस ज़्यादा है तो माइनस फाइव और अपान यहाँ पर पचास बुरी पचास तो पाँच पंचे पच्चीस और दो जीरो इसके साथ में ठीक है और इन टू टेन टू द पावर माइनस टू थोड़ा कैलकुलेशन पर ही थोड़ा सा ध्यान रखना भाई ना जीरो वीरो का मिस्टेक होने का बहुत चांस रहता है मुझसे भी हो जाता है हड़बड़ी में दैट इक्वल आगे क्या हो जाएगा इसको तो मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा यहाँ से जीरो का काम हम कर दें तो नाइन इंटू सिक्स पॉइंट फाइव इंटू सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव और अपान में कितना हो जाएगा ये पच्चीस और दो जीरो इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये तो कितना रहेगा ट्वेंटी फाइव इसको तो भाई अब मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ आपको नौ का गुणा करूँ सिक्स पॉइंट फाइव के साथ फिर उसका गुणा करूँ फिर सिक्स पॉइंट फाइव के साथ है ना नाइन इंटू सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव टू वन न्यूटन आप लोगों को मेरा एक सजेशन है कि आप लोग ऐसे जो कैलकुलेशन का स्टेप है उसको अपनी रफ कॉपी में करके देख लेना कैलकुलेटर का हैबिट आप लोग मेरे जैसे मत डालना क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है मैंने दे लिया एग्जाम है ना आपको एग्जाम देना है और एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता इसलिए आपको इसका जो सॉलूसन है ये मेनुअली रफ कॉपी में करके प्रैक्टिस करना नहीं तो बैड हैबिट डेवलप हो जाएगा एग्जाम में फिर आपको यहाँ यहाँ तक छोड़ के आना पड़ेगा या बहुत टाइम लगेगा इसलिए थोड़ा मैनुअली उसको कर लेना ठीक है मुझे फॉलो नहीं करना तो सर कैलकुलेटर से कर दिए थे हम भी कहें मुझे क्या है समझाना है मुझे क्वेश्चन समझाना है मैं उसको मल्टीप्लाई करके नहीं देखता और करूंगा भी तो भी कर देता हूँ तो वन पॉइंट फाइव टू वन टेन माइनस टू न्यूटन ये पहला आंसर हो गया बी में क्या बोलता है बी पार्ट में क्वेश्चन में इसमें एक जबरदस्त बात बोला है क्या कि इनके मान को बदल रहा है वो क्या बदल रहा है यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा दुगनी कर दी जाए दोनों में आवेश की मात्रा को दुगनी कर दें और गोले के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा बेस्ट है ही। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आवेश को दुगुना और दूरी को आधी चलो ऐसा करके देखते हैं होता क्या बिना मान भरे बिना मान भरे ना बिना मान भरे इसको हम करके देखते हैं तो क्या होगा सुनना ध्यान से यहां पर जो बल है में, उसको F वही रहेगा अब दोनों आवेश को दुगना कर दिया तो टू क्यू ए कर दिया और इसको भी दुगना कर दिया टू क्यू बी कर दिया इसको भी दुगना कर दिया और इसके बीच की दूरी को आधा कर दिया माने आर बाई टू का स्क्वायर कर दिया आर बाई टू का स्क्वायर कर दिया अब ऐसा करने से क्या होगा ये हम देखते हैं चलो ऐसा करने से ये हो गया नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन और इन टू टू इंटू टू फोर होगा हो गया फोर और इन टू क्यू ए इन टू क्यू बी अपान ये हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर ऊपर चला जाएगा ये हो गया आर स्क्वायर और ये जो फोर है अपान फोर एक बार यही लिख देता हूँ ये इसके साथ में जाके गुणा हो जाएगा चार के साथ में तो यहां पर चार के साथ जब गुणा होगा तो हो गया सिक्सटीन इसको सामने लिख रहा हूं नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन और इंटू क्यू ए और इन क्यू बी और अपॉन आर स्क और आपको पता है कि इतना वैल्यू इतना वैल्यू हम अभी गणना किए हैं उसका सोलह गुना हो जाएगा सीधी सी बात इसलिए मैं यहां पर मान को नहीं भरा यहां पर कैलकुलेशन करने का दो तरीका है कोई क्या है सब मान को फिर भर दिया सब मान को भर के फिर गुणा भाग गुणा भाग कर रहे हैं जरूरत नहीं है आप सबसे पहले ये जो दुगुना बोला है ये दुगुना कर लो आधा कर लो इसके बाद इसको सोलह गुना बना दो ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव में ऐसे पूछे जाते हैं जैसे अभी मैं शुरुआत में क्या बोला कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं किस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये कॉन्सेप्ट है अब इसी को बोल देगा कि कितना गुना हो जाएगा न्यूमेरिकल नहीं दिया बोला कि ऐसा ऐसा कर दें तो लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा तो उसका आंसर सोलह गुना हो जाएगा तो सिक्सटीन टाइम्स हो गया यहाँ पर हम उसके मान को निकाल देते हैं मान को भर देते हैं तो एफ डेस इक्वल टू सिक्सटीन और इन टू ये जो हमने मान निकाला है अभी वन पॉइंट फाइव टू वन वन पॉइंट फाइव टू वन वन पॉइंट फाइव टू वन इन टू टेन टू माइनस टू बराबर इसका सोलह गुना सोलह का गुणा कर दें इसमें सोलह का गुणा करने से सोलह गुणित वन पॉइंट फाइव टू वन दस के साथ न्यूट मेरेगा जीरो पॉइंट टू फोर न्यूटन ये आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फोर न्यूटन इतना हो जाएगा पहले का सोलह गुना और पहले के मान को भर दें पहले का सोलह गुना और पहले के मान को भर दें तो जीरो पॉइंट टू फोर न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा ओके तो यह एक बहुत बेस्ट न्यूमेरिकल है क्लियर यहां तक आपको अब इसका मैं सेकंड पार्ट पर बात करूं जो कि बहुत मजेदार है ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है तो सुनो ध्यान से अब क्या करने बोल रहा है अब थोड़ा सा सिचुएशन को वो चेंज कर रहा है उसी क्वेश्चन पर सेम क्वेश्चन पर मान लीजिए प्रश्न एक दशमलव एक दो मतलब पिछला प्रश्न को ही हमको पढ़ना है ठीक है गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है दोनों क्या है सेम साइज के हैं दोनों सेम साइज के हैं ए और बी और इसके बाद तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेश गोला अनावेश गोला मतलब तीसरा गोला क्या है हमारे पास अनावेशित है जिसमें आवेश नहीं है पहले तो गोले से संपर्क करते हैं तत्पश्चात दूसरे गोले से पहले गोले से पहले गोले संपर्क करते हैं मतलब ए से तो उसके पश्चात दूसरे गोले से मतलब बी से पहला गोला हमारा ए है उससे टच करते हैं फिर बी से अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है तथा इनके बीच बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा वाह देखो और टच करने के बाद क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं तो सबसे पहले हम यहां पर देखें यहां पर कि C को ठीक है C को A से संपर्क करने पर मतलब यहां पर बात क्या है छोटा सा फिगर भी बना दूं फिगर ज्यादा क्लिक करता है माइंड में ये ए है और सी को मैं व्हाइट कलर का बना देता हूं इसके पास आवेश नहीं है ये दोनों को टच किए अब यहां पर क्या है देखो ये है क्यू ए क्यू ए और क्यू ए का मान हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है क्यू ए का मान क्यू एस इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन अब यूनिट को नहीं लिख रहा हूं और ये जो सी है ये ए गोला है ये सी गोला है और क्यू सी कितना है जीरो है क्यू सी जीरो है अब जब हम दोनों को अलग करेंगे जब इन दोनों को हम अलग करेंगे तो ये मान लो क्यू ए ये हो गया क्यू ए का जो वैल्यू क्यू ए डैस कह दिया बराबर और ये मान लो बी है ये सी है सॉरी ये सी है तो यहां पर क्या हो जाएगा क्यू सी क्यू सी का वैल्यू क्यू सी डेस कह दिया टच करने के बाद तो कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि दोनों का योग मतलब क्यू ए प्लस क्यू सी अपॉइंट टू दोनों का योग बटे दो हो जाता है ये आपको चैप्टर पढ़ाते समय मैंने बताया था इसीलिए बोल चैप्टर को आपको तैयार करना है अच्छे से ना दैट इक्वल मान को भरोस पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और प्लस जीरो जीरो अपॉन टू ये हो जाएगा और दैट इक्वल अब इसको सॉल्व करें तो सिक्स पॉइंट फाइव में टू को मैं डिवाइड कर देता हूँ ठीक है सिक्स पॉइंट फाइव में टू को डिवाइड कर दू दोनों को डिवाइड करने से हो जाएगा थ्री पॉइंट टू फाइव तो 3.25 हो गया ये 3.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और इसके पास भी इतना ही होगा 3.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन क्योंकि दोनों में आवेश बराबर हो जाएंगे तो C को A से संपर्क करने पर जब C को A से संपर्क किया गया पहला तो क्या हुआ अब दोनों के पास आवेश 3.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन हो गया अब आगे क्या बोलता है अब C को B से टच करो ठीक है सी को बी से टच करो चलो कराते हैं सी को बी से टच तो क्या होता है देखो सेकंड केस में सी को सी को बी से संपर्क कराने पर तो जब सी को बी से संपर्क करेंगे तो यहां सिचुएशन ऐसा हो जाएगा ये देखो सी है और ये मान लो बी है यहां पर साठ में लिख देता हूं मैं अब सी के पास आवेश शून्य नहीं है क्योंकि ए से टच होके आ रहा है वो अब सी के पास आवेश शून्य नहीं है वो तो ए से टच होके आ रहा है तो जब ए से वो टच होके आएगा तो आवेश लेके आएगा और कितना आवेश लेके आएगा यहां पर हमने निकाला है 3.25 10 टू द पावर -7 तो यहां पर हो गया q डश सी कह दिया क्या 3. ना 3.25 10 टू द पावर -7 है और सी के पास और बी तो अभी किसी के पास टच हुआ ही नहीं है तो इसके पास कितना वैल्यू है क्यू बी वैल्यू ही है तो क्यू बी वैल्यू कितना हो जाएगा जितना था वो क्या सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन इतना होगा अब इनको दोनों को टच करके अलग कर दिया जाए ये ये मान लो सी है और ये मान लो क्या है बी है दोनों को टच करके अलग कर दें तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर क्यू डबल सी लिख रहा हूँ मैं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू डे सी प्लस क्यू बी अपॉन टू मतलब फिर आधा आधा बटेंगे दोनों और फिर जब आधा आधा बटेंगे तो मान को भरो थ्री पॉइंट टू फाइव इन सॉरी इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन प्लस सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन टू चलो तो इसको जोड़ू मैं दोनों को जोड़ दें 6.5 और 3.25, 10 टू माइनस 7 भाग दो, 4.875, 4.875 दो को भाग करने पर भी और 10 टू दी पार माइनस 7 कुलाम इतना हो गया। अब देखो, अब मजेदार बात क्या है कि QDC और यही यही जो वैल्यू होगा, वो इसके पास भी होगा क्योंकि दोनों में बराबर आवेश हो रहे हैं। तो यहां पर हम अब क्या कह दें क्यू डेस बी क्यू डे बी का मान भी कितना फोर पॉइंट एट एटर क्यू पॉइंट एट सेवन फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन कुलाम इतना हो जाएगा तो क्यू डेस बी का मान भी उतना क्यू डे सी का मान भी इतना अब अब प्रश्न में क्या बोला है अब ए और बी दोनों को टच करके अलग करने के बाद इनके बीच का बल कितना होगा तो पुनः हम क्या लिखेंगे देयर फोर फोर अब किन के बीच का बल ये हो गया ये अब ए है और बी है और टच करने के बाद अब इसके पास आवेश है क्यू डैश ए और इसके पास आवेश है क्यू डैश बी तो क्यू डैश ए आवेश कितना है यह हम निकाले थे थ्री पॉइंट टू फाइव ना थ्री पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और इसके पास हमने अभी निकाला है क्या क्यू डैस बी फोर पॉइंट एट सेवन फाइव फोर माइनस सेवन और इनके बीच कितना बल लगेगा बोल रहा है तो दूरी तो इनके बीच में पचास सेंटीमीटर ही रखना है दूरी पचास सेंटीमीटर मतलब पहले वाले प्रश्न में 12 नंबर के प्रश्न में दोनों के बीच कितना बल निकालना है ये पूछा था 13 में क्या पूछा है कि सी को ए से टच कराया फिर उसको बी से टच कराया तो ए और बी के आवेश बदल गए तो कितना बल लगेगा तो पुनः यहां पर जो बल लगेगा जिसको हम एफ डैश कह देते हैं तो एफ डैश कितना हो जाएगा नाइन इंटू टेन टू 9 और टू इसका मान थ्री पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन 10 टू फोर पॉइंट एट सेवन फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन और अपानी इनके बीच का डिस्टेंस वही होगा पचास गुड़ी दस के घाट दो का वर्ग अब इसको आप लोग सॉल्व करना और इसका आंसर कितना आएगा मैं बता देता हूं फाइव पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री फाइव पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री न्यूटन इतना बल आएगा ये इसका आंसर है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेकंड नंबर के पार्ट में जो दिया है उसको ध्यान से एक बार और समझना कि सेकंड सिचुएशन मतलब थर्टीन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ठीक है तो क्लियर यहां तक आपको इसको अच्छे से करना है और आज जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1.1 से 1.13 तक के न्यूमेरिकल्स हम आज फर्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम उसको आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके 1.14 से आगे के न्यूमेरिकल करेंगे फिर लास्ट में आपको एक बार बता दूं कि न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी का मैं करा रहा हूं बहुत मेहनत करके आपको करना है और न्यूमेरिकल करने से पहले चैप्टर को रिवीजन जरूर करना है और आपको फार्मूला भी लर्न करना है ओके ओके थैंक यू थैंक यू सो मच